आपके साथ ही आ जाता हूँ। तीस उम्र तो बोले सीआईए टीम ने तीन लड़कों को राउंड ऑफ किया कल शाम को, ये तित्रम रजौंद वाले रोड पे, जखोली रिंग रोड पे, इनके पास वेपन मिले, एक 12 बोर का वेपन मिला और कंबाइंड 5 कारतूस मिले, तीन लोग थे। तो इनसे गहनता से पूछताछ करने पे इन लोगों ने डिस्क्लोज़ किया कि बीते दिनों में जो कलायत में मर्डर हुआ बिट्टू राणा का और जो रजौंद में मर्डर हुआ, इन दोनों ने ही कर रखा था। तो कलायत मर्डर में हमने पहले भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, दो व्यक्ति को, तो उसमें उन्होंने भी इन दोनों का नाम लिया था। और हमारे हम इस पर टेक्निकल सर्वेलेंस वगैरह पे भी थे, तो हमारे पास पुख्ता सबूत था कि आर्म्स का कैंपेन चल रहा है एक्चुअली, तो हमारा आर्म्स पे भी फोकस था, तो किसी ने मुखबरी दी थी कि इनके पास आम है, तो हमने गिरफ्तारी की इनकी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये कलायत में मर्डर करने के लिए आ रहे थे, ठीक है। इन्होंने दो लोग से फिरौती भी मांगी थी पहले, अभी दो दिन पहले फिरौती भी मांगी थी। फिरौती में ये विदेशी नंबर का इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नंबर का, जिसके थ्रू कॉल करते हैं, तो इनको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। तो हम ट्रेस कर ही रहे थे तब तक ये पकड़े गए। और इन्होंने दो मर्डर और करने का प्लान कर रखे थे, तो इस बात की के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा सीआईए टीम को, तो उन्होंने जो आगे जो मर्डर होने वाले हैं उनको रोका इन्होंने इसको गिरफ्तार करके। और ये जो व्यक्ति जो गिरफ्तार होने वाले हैं वो है प्रवीण उर्फ बिन्नी, ये कलायत के ही रहने वाले हैं, जाति पंडित है। शुभम उर्फ सुखा है वाल्मीकि जाति का, और बलविंदर सिंह उर्फ बिट्टू। तो जो रजौंद में जो वीडवांगड़ा गांव में जो मर्डर हुआ था उनमें जो उनकी डिमांड थी कि एससी एसटी एक्ट धारा लगे, तो चूंकि प्रवीण जो है पंडित जाति का है तो इसमें एससी एसटी धारा ऑटोमेटिक लग जाएगी। उनके साथ वाले तो वाल्मीकि है, लेकिन एक एक्यूज्ड जो है उसमें एससी जनरल कास्ट के हैं, तो उसमें एससी एसटी एक्ट की धारा लग जाएगी। और तो हमारे जो दोनों मर्डर जो अभी तक ट्रेस जा रहे थे ये दोनों ट्रेस हो गए हैं। इन दोनों का पहले पुरानी रंजिश थी, किसी के साथ लड़ाई थी, किसी ने फिर कुछ बीते दिनों में जो भी मर्डर जिन्होंने जिनके मर्डर कर दिए, जो जो मर्डर के टारगेट पे थे इनके, उन सब के बीते सालों में जो भी इनके आपस में लड़ाई हुई, खटपट हुई किसी बात पे, लेकिन तो उसके लेके ये रंजिश लेके घूम रहे थे। इनके पास अभी इन्होंने क्या किया कि किसी तरीके से एक वेपन हासिल कर लिया, उसके बाद ये इनका प्लान था कि कुल मिलाकर चार मर्डर करने का, तो दो कर दिया था, दो और करने वाले थे। अभी और खंगाल रहे हैं फिलहाल, तो देख रहे हैं। अभी आप देखोगे तो इतने कम समय में चार केस इनके इन पे दर्ज हो गए, दो मर्डर के, दो फिरौती के। हाँ, वेपन बताया मैंने, एक 12 बोर का वेपन मिला और इन पे राउंड्स मिले हैं, 5 राउंड्स मिले हैं इनके। उम्र इनकी 30 के आसपास की है ना, 25-30 के आसपास की है, यंग लड़के ही हैं और ये बाइक पे घुमा करते। हाँ, कुछ रंजिश थी, बट वो कौन थे क्या थे मर्डर करना वो हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ से, क्योंकि अब हमने पकड़ लिया तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन और इनके जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है वो काफ़ी इतने अच्छे से की जाएगी जिससे कि इनको सज़ा मिले और ये कभी भी बाहर ना आ सके। क्या बोला आपने? हाँ, तो यही थे, प्रवीण उर्फ बिन्नी था और शुभम उर्फ सुखा था, यही दो थे। और तीसरा जो इनके साथ गिरफ्तार हुआ बलविंदर सिंह, ये इनके साथ मर्डर में नहीं था, बट इनके साथ इनको शहर देने में था और इसके पास से भी राउंड्स बरामद हुए हैं। तो मेन जो दो थे यही प्रवीण उर्फ बिन्नी थे और शुभम उर्फ सुखा थे, ये यही दोनों थे। उसके साथ ये तीसरा व्यक्ति जो था उसको हमने पहले गिरफ्तार कर लिया। बिट्टू राणा में तीन व्यक्ति थे, दो बाइक थी, तो उसमें से जो तीसरा व्यक्ति था जिसने रेकी किया था, जिसने सारी चीज़ें बताई थी कि ये बंदा निकल रहा है क्या, उसको हमने पहले गिरफ्तार कर लिया था। उससे ही हमारी बहुत सारी चीज़ें खुली कि कौन कौन इन्वॉल्व थे, क्या क्या इन्वॉल्व थे। और हाँ, मैंने बताया आपको जैसे रंजिश थी है ना, और बाकी अभी तो गिरफ्तारी हुई है इसकी, तो और रिमांड पे लेंगे और हम इसे और से गहनता से पूछताछ करेंगे इनसे। देखो, विक्टिम की प्रवृत्ति क्या रही नहीं रही उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। तो उनके कैरेक्टर पे या उनका क्या हिस्ट्री रहा उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अभी तक तो ऐसी बात सामने नहीं आई है, ठीक है, और ना ही इन्होंने ओनअप किया है। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखा जाए, जिससे फिरौती मांगी इसलिए फिरौती मांगी जाए कि उनको लग रहा है कि उनके पास पैसे में पैसे ले लें, इनके पैसे की कमी थी, और जिनको मारा उनको
उनके उनसे उनकी रंजिश थी पुरानी कोई ना कोई। हाँ तो जैसे ये एम्बोल्डन होते हैं ना, दो मर्डर कर दिया पुलिस अभी तक पकड़ी नहीं, इनको लग रहा है पुलिस इनके पीछे नहीं है, हम तो इनको ट्रैक कर रहे थे काफ़ी, वी वर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी है ना। और तो क्या कहते हैं आपका, फिर फिरौती तो इसलिए वो मांग ले क्योंकि और एम्बोल्डन हो गए वो है ना, और भी मर्डर करने के फिराक में थे, तो हमने जो आगे वाले मर्डर होने उनको हमने रोकने की कोशिश की है। वो ऐसे ही मिल जाते हैं नेट पे ना, बड़े आसानी से मिल जाते हैं, फिर उसको ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हाँ तो वो चौवा ऐसे ही है, कौन सी कंट्री से देखना पड़ेगा, बट वो आपके उसमें FIR में जो फिरौती वाले जो है ना, फिरौती वाले दोनों में FIR में मैंशन है, और वो हमारा अच्छा एविडेंस बनेगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको लिंक तो कर ही देंगे इनसे, ठीक है, मुश्किल होता है बट हम कर लेंगे इसमें।